हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 1 और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एक न्यू चैप्टर जो कि है आपका चैप्टर नंबर 5, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने खत्म किया चैप्टर नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके प्लीज वो देखो, क्योंकि उसी से रिलेटेड है ये वाला चैप्टर। ओके, तो अब हम जो भी करेंगे सब रिलेटेड ही रहेगा, क्योंकि हम कर ही क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप। ओके, तो आज कौन सा वीडियो है, वीडियो नंबर 1, और न्यू चैप्टर का क्या नाम है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर 5 है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो देखो, जब मैंने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, तब मैंने आइडिया दिया था कुछ। ओके, अगर आप लोग चैप्टर 4 नहीं देखे हो, चेंज इन PSR, तो जाके प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, जाके प्लीज देखो, क्योंकि अगर आप ये वाला चैप्टर देख लिए ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक ही बात। ओके, तो एक नया पार्टनर आ रहा है कि नहीं, तो सब कुछ बदलेगा है कि नहीं, रेशियो बदलेगा है कि नहीं, प्रॉफिट बदलेगा, कैपिटल बदलेगा। ओके, तो देखो यहां पे मैंने समझाया ही है, मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं, ये रिवाइज ही होगा, क्योंकि अगर आप लोग ये वाला चैप्टर देख लोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो थोड़ा मैंने एडमिशन का भी बात बताया था। ओके, तो देखो होता क्या है, पार्टनर होते हैं ए बी, और मान लो ए और बी मान लेते हैं, ठीक है, ए और बी पार्टनर है, ये लोग मान लो इनका प्रॉफिट होता है 1 लाख, ठीक है, ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं 1 लाख। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, 50,000 ये लेगा, 50,000 ये लेगा, है कि नहीं, 50 के ये हो गया। तो कितना कितना हुआ इनका, 50% 50%, है कि नहीं। अब आ गया मान लो ए बी सी न्यू पार्टनर, एडमिशन हुआ है, ओके, एक न्यू पार्टनर आया, तो आपको लगता है, सबको क्या लगता है, एक्चुअली बच्चों को क्या लगता है कि एक नया पार्टनर आएगा तो क्या होगा, ये जो 1 लाख रुपया है प्रॉफिट, है कि नहीं, ये पहले बंटा था 50,000 50,000, तो क्या ये अभी 50,000 50,000 बटेगा, जी नहीं, अभी तो हो ही नहीं सकता, 1 लाख रुपया 50,000 बचेगा ही नहीं, है कि नहीं, कितना कितना बटेगा, 33,000 33,000 33,000, ये अप्रोक्सिमेट बता रहा हूँ, है कि नहीं, अगर हम लोग 1 लाख को डिवाइड करेंगे 3 से तो 33,333, तो उस हिसाब से इन लोग का डिवाइड होगा, है कि नहीं। तो होता क्या है, जब एक नया पार्टनर आता है ना तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है कि नहीं, जब दो लोग मिलके 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो ये जो नया पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर जो आएगा, ये कैपिटल भी तो लेते आएगा, है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कैपिटल भी लेते आएगा, जो नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को क्या होगा, सेक्रीफाइस करेंगे कुछ, है कि नहीं, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे ना, कर ही रहे ना, पहले जो कमाता था 50,000 50,000, अब तो कम हो गया ना, 33,333 पे आ गया, है कि नहीं, तो सेक्रीफाइस करेंगे, तो उन जो सेक्रीफाइस करेगा, है कि नहीं, ए और बी सेक्रीफाइस करेगा, तो इस ए और बी के लिए क्या लाएगा, PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, या फिर आप गुडविल भी बोल लो, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, जब एक नया पार्टनर आता है, मान लो सी आ रहा है, तो ये दो चीजें लेके आता है, एक तो कैपिटल और एक PFG, ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, तो कैपिटल भी लेके आता है, तो कैपिटल लेके आएगा तो सीधा ही सब आता है, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, है कि नहीं, तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, मान लो पहले दो लोग कमा रहे थे तो 50% 50% ले रहे थे, है कि नहीं, 1 लाख कमा रहे थे तो 50% 50% ले रहे थे, तो 50,000 होता था, अब 3 लोग कमाएंगे, ए बी बी और सी, है कि नहीं, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कौन सा रेशियो हो जाएगा इनका, रेशियो हो जाएगा 33% 33% 33%, 50% 50% होगा ही नहीं, ये प्रॉक्सी होगा, है कि नहीं, तो 5 लाख का कितना होगा, तो 1,65,000 के आसपास आएगा, ये अप्रोक्सी में बता रहा हूँ, ठीक है, 1,65,000 के आसपास आएगा। तो जब देखो रेस
परसेंटेज यहाँ बढ़ गया, बढ़ा हुआ है, परसेंटेज घट गया, 50% से कितने परसेंट पे आ गए, 33% पे आ गए, फिर भी इन लोगों का कमाई ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कमाई बढ़ गया ना, प्रॉफिट बढ़ गया। तो बच्चों को लगता है कि अगर एडमिशन हो रहा है तो लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये फायदा ही हो रहा है। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो भले ही आपका परसेंटेज कम हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज फिर भी ज्यादा है, ओके, फिर भी ज्यादा है, पुराने के मुताबिक फिर भी ज्यादा है। पहले 50% कमाता था, 50-50% डिवाइड होता था तो 50,000 रुपया मिलता था, अब 33% 33% तीनों को मिल रहा है तो 1,65,000 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट भी बढ़ गया है कि नहीं। जब 3 लोग काम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, जब 4 लोग हो जाएंगे तो और प्रॉफिट बढ़ेगा, परसेंटेज घट जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब बातें होती है। जब एक नया पार्टनर आएगा तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा कि नहीं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा ना, चेंज आ ही रहा है ना, है कि नहीं? अब किस हिसाब से, तो ये सब कैसे करना है, हमें ये सब रेशियो में करना है, ठीक है? ये सब कैसे करना है, रेशियो में। तो देखो मैं लिखूंगा नहीं, थ्योरी आपको मैं यहीं पे बता देता हूं, देखो क्या होता है। ये है बुक, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन और रिक्रिएशन आप बोल सकते हो, ठीक है, ऑफ द फर्म, बिकॉज विद द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड, जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है, एंड न्यू एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर इंक्लूडिंग इनकमिंग और न्यू पार्टनर कम इन टू एग्जिस्टेंस। पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट चालू हो जाता है, ओके, जब कोई नया पार्टनर आता है तो, जब कुछ पार्टनरशिप में चेंजेस आता है तो। अभी चेंजेस क्या है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, न्यू पार्टनर आ रहा है कि नहीं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द न्यू पार्टनर, हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड अदर कंडीशंस आर एग्रीड अपन, द न्यू पार्टनर ऑन ज्वाइनिंग बिकम लायबल फॉर द लायबिलिटी ऑफ द फर्म एंड एंटाइटल टू हैव शेयर्स इन एसेट एंड फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे अब, है कि नहीं? अब नया पार्टनर आ रहा है तो फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा होगा, वो कैपिटल लेके आएंगे तो उनका एसेट पे हक होगा, है कि नहीं? लाइबिलिटी पे भी हक है, हक क्या है, चुकाना होगा उनको लाइबिलिटी, है कि नहीं? तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये वाला यहां से, द न्यू और इनकमिंग पार्टनर, जब एक न्यू पार्टनर इनकमिंग पार्टनर आएगा, पार्टनर रिसीव शेयर्स इन फ्यूचर प्रॉफिट, उनको फ्यूचर प्रॉफिट में उनका हिस्सा मिलेगा, इक्वल टू द सेक्रीफाइस ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो सेक्रीफाइस करेंगे ओल्ड पार्टनर, है कि नहीं? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे पहले से वो तो सेक्रीफाइस करेंगे, और पार्टनर ऑफ द फर्म, न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंपेंसेट ऑल दोज पार्टनर हु सेक्रीफाइस, जो न्यू पार्टनर सी मान लो थे, ए और बी थे, अब सी आ रहे हैं न्यू पार्टनर, तो ये क्या लेके आएंगे उनके लिए, कंपेंसेशन लेके आएंगे, कंपेंसेट करेंगे ये दोनों को, क्योंकि ये दोनों का दिक्कत हो रहा है ना, दिक्कत मतलब क्या, ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना इसके लिए। पहले ये लोग कमाते थे तो 50% 50% लेते थे, अब 33% 33% 33% ऐसा होगा, तो ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसके लिए न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंपेंसेट ऑल डोज पार्टनर हु सेक्रीफाइस, सारे पार्टनर को सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको कंपेंसेट करेगा, देयर प्रॉफिट शेयर इन हिज और हर फेवर, द अमाउंट न्यू पार्टनर पे फॉर देयर सेक्रीफाइस फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो न्यू पार्टनर है, जो कंपेंसेट करेगा उसको क्या बोलते हैं, गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। बिसाइड द गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग कैपिटल, गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल ये अलग चीज है, ओके, और कैपिटल अलग चीज है, कैपिटल तो लाना ही लाना है टू गेट राइट इन द एसेट, ताकि उनको एसेट पे हक मिल सके उनका, है कि नहीं? तो वही चीज लिखा हुआ है कि जब मान लो मैं फिर से बताता हूं, ए और बी ओल्ड पार्टनर हैं, तो जब ये सी आएगा तो ये लोग सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है? तो ये सी इनके लिए क्या लेके आएगा, PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल, और यू कैन से गुडविल, ठीक है? और कैपिटल तो लेके ही आएगा, है कि नहीं? और इनका प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे फाइंड आउट करना है, क्या करना है, हम लोग सब सीखेंगे, ओके? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ बातें हैं जो लिखने होंगी, ओके, जो जरूरी है, जो एग्जाम में पूछता भी है, ओके, थ्योरी में आ जाता है 2 नंबर का, 1-2 नंबर का। तो चलो आप मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी लिखो, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर,
इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहला ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ओल्ड पार्टनरशिप कम टू एन एंड, ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा और न्यू पार्टनरशिप आ जाएगा सामने, है कि नहीं? रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिक्रिएशन होगा। ओके, फिर न्यू और इनकमिंग पार्टनर बिकम एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट में न्यू पार्टनर को हिस्सा मिलेगा ऑफ द फर्म एंड द कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर गेट रिड्यूस, है कि नहीं? अब जो ओल्ड पार्टनर थे, मान लो ए और बी, है कि नहीं, उनका कम हो जाएगा और सी को भी प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, है कि नहीं? नया पार्टनर आ रहा है, फिर न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट्स एंड एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल भी लाएंगे ये, फिर एडजस्टमेंट ऑफ एडजस्टमेंट इज मेड फॉर रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो ये वही है, ये वही है जब हम लोगों ने चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है कि नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चैप्टर 4 में देखा था, ये वही है। हम लोगों ने जो अलग अलग तरीके के रिजर्व थे, है कि नहीं, जब चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसी तरीके से जब नया पार्टनर आता है तो जो भी रिजर्व होंगे आपके, है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व, है कि नहीं, उन सबको राइट ऑफ करो, खत्म कर दो। खत्म मतलब क्या, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक्युमुलेटेड कुछ प्रॉफिट है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, एक्युमुलेटेड लॉसेस है तो ओल्ड पार्टनर बियर करेंगे इन ओल्ड रेशियो, है कि नहीं? तो जो हमने चैप्टर 4 में किया था चेंज इन पीएसआर में, वही चीजें हमें यहां भी करनी है। ओके, इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये वाला चैप्टर देखने से पहले आप चैप्टर 4 देख लो, एकदम जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है? फिर एसेट आर रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड, एसेट आर रिवैल्यूड रीअसेस्ड, है कि नहीं? एसेट रिवैल्यूएशन, हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट देखा था चैप्टर 4 में ही देखा था हम लोगों ने पीएसआर में, है कि नहीं? तो क्या बोलता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों ने सीखा, तो वही सीखना है, वही करना है। ओके, फिर और एक तो मैंने बता ही दिया, जब एक न्यू पार्टनर आएगा, है कि नहीं, तो क्या क्या लेके आएगा, दो चीजें लेके आएगा। मान लो न्यू पार्टनर है सी, तो न्यू पार्टनर एक लाएगा कैपिटल और दूसरा लाएगा पी एफ जी, प्रीमियम फॉर गुडविल, है कि नहीं? और ये किस लिए लाएगा, ये कंपेंसेट करने के लिए लाएगा, है कि नहीं? क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर है ए और बी, वो तो सेक्रीफाइस करेंगे ना, इसके आने, ये आएगा तो ये तो सेक्रीफाइस करेंगे, तो ये दोनों को कंपेंसेट करने के लिए, ये सी कंपेंसेट करने के लिए पीएफजी लेके आएगा इनके लिए, ठीक है? तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं प्रैक्टिकल, ठीक है? प्रैक्टिकल में सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे, कि कैसे चेंजेस होंगे, कितने केस, कैसे कैसे केस है जो हमें फाइंड आउट करने होंगे, लैंग्वेज समझ के, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ के हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग फाइंड आउट करना होगा। ओके, तब तक के लिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।